हम आप लोगों को कक्षा 7 का हिंदी फर्स्ट पढ़ा रहे हैं इस वीडियो में, और इसमें हम लोग पार्ट 5 पढ़ेंगे। पार्ट का नाम है मिठाई वाला, और यह है कहानी है। इस कहानी के लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। इसमें मुख्य रूप से 4 दृश्यों में गांव में किस प्रकार से फेरी वाले अलग अलग सामान कैसे आवाजों में से अपनी सामानों की विशेषता बताकर बेचते हैं, इस विषय में लेखक ने भगवती प्रसाद वाजपेयी ने बताया है। इसमें पहले दृश्य में जो मिठाई वाला है वो खिलौने बेचने के लिए लाता है, और वो अलग तरह के कुछ मीठे स्वर में अपने खिलौनों की विशेषता बच्चों को बताता है, जिससे बच्चे बागीचे से अपने घरों से भाग करके खिलौने वालों के पास आते हैं। इसके अलावा जो बच्चों के घर के बड़े लोग हैं, महिलाएं हैं, वो भी इस खिलौने वाले की आवाज़ को सुनकर इसको देखने के लिए उत्सुक हो जाती हैं। इस पहले दृश्य में एक विजय बहादुर नाम के व्यक्ति हैं, वो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, और उनके घर में 2 बच्चे हैं, चुन्नू और मुन्नू। वो लोग भी खिलौने वाले के पास आते हैं और खिलौने वालों से सामान को यानी खिलौनों को देखते हैं और उसका मोल भाव करते हैं। फिर 2-2 पैसे में खिलौने वाले उन्हें घोड़ा दे देता है, और वो घोड़े को लेकर अपने घर जाते हैं और अपने माँ के सामने उसका गुणगान करते हैं और उसकी विशेषता बताते हैं। उसके बाद उन बच्चों की जब माँ पूछती है कि ये खिलौने तुम लोग कितने पैसे में खरीद के लाए हो, तो वो लोग बताते हैं 2 पैसे में। फिर वो सोचने लगती है कि इतने अच्छे खिलौने वाले ने क्यों इन बच्चों को 2 पैसे में दे दिया। फिर उस बात को वो वहीं छोड़ देती है। फिर 6 महीने बाद दूसरे दृश्य में खिलौने वाला बांसुरी बेचने के लिए लाता है। फिर वो बांसुरी को बजाता है, मीठे स्वर में गीत गाता है और अपना बांसुरी बेचता है। इस प्रकार से जब बच्चे उस बांसुरी की आवाज़ सुनते हैं और उसके गीत सुनते हैं, तो फिर मोहित उससे प्रभावित होकर बांसुरी वाले के पास आ जाते हैं। इसके अलावा उस गांव के बड़े लोग और महिलाएं भी उस बांसुरी की आवाज़ सुनकर उस बांसुरी वाले को देखने के लिए उत्सुक हो जाती हैं। चुन्नू मुन्नू की माँ जो होती है रोहिणी, वो उस बांसुरी वाले को पहचान जाती है। फिर बोलती है विजय से कि आप बच्चों के लिए 2 बांसुरी खरीद लें, क्योंकि बच्चे उस समय घर पे नहीं होते हैं। विजय जब जाते हैं बांसुरी खरीदने के लिए, तो वो बांसुरी वाले से मोल भाव करते हैं। बांसुरी वाला कहता है कि सभी को मैं 3 पैसे में दे रहा हूँ, लेकिन ये बांसुरी मैं आपको 2 पैसे में दे दूंगा। तो फिर विजय बाबू बोलते हैं कि क्यों मुझ पर एहसान लाद रहे हो, दे रहे हो तो सभी को 2 पैसे में ही, फिर मुझे ऐसे क्यों कह रहे हो कि मैं सबको 3 पैसे में देता हूँ, आपको 2 पैसे में ही दे दूंगा। फिर दोनों में बहस होती है, फिर 2 पैसे में वो बांसुरी दे देता है। फिर रोहिणी इस बात को सोचने के लिए तीसरे दृश्य में मजबूर हो जाती है। वो ये सोचती है कि खिलौने वाला बांसुरी वाला इतना सुंदर गीत गा रहा है और बांसुरी भी बजा ले। उसके बाद रोहिणी ये सोचती है कि खिलौने वाला और बांसुरी वाला इतने कम दाम में जो बांसुरी और खिलौने दे रहा है, फिर उसको क्या मिलता होगा और यह इन पैसों से अपना जीवन वो किस प्रकार से व्यतीत करता होगा। उसके बाद चौथे दृश्य में बांसुरी वाला फिर से मिठाई बेचने के लिए आता है। उस समय वो फिर से अपनी मिठाई की विशेषता बताता है, गलियों में अपनी आवाज़ कई प्रकार की आवाज़ों से बोल बोल करके। फिर बच्चे उससे उत्कृष्ट होकर उसकी मिठाई से आकर्षित होकर मिठाई खरीदने के लिए आते हैं। रोहिणी भी उस आवाज़ को सुनती है और वो अब उस आवाज़ को पहचान जाती है। फिर वो उस समय विजय बाबू घर में नहीं रहते हैं, और वो चुन्नू मुन्नू की दादी से कहती है कि आप बच्चों के लिए मिठाइयाँ खरीद लें। फिर चुन्नू मुन्नू की दादी बच्चों के मिठाइयाँ खरीदने के लिए उस मिठाई वाले को अपने घर पर बुलाती हैं। फिर वो उससे पूछती हैं कि मिठाई किस भाव में दे रहे हैं, तो वो कहता है कि 1 पैसे के मैं 16 दे रहा हूँ। तो वो कहती है कि 1 पैसे की 25 दीजिए। तो फिर चुन्नू मुन्नू की जो मामा है रोहिणी, वो कहती है कि ठीक ही तो दे रहा है। फिर चुन्नू मुन्नू की दादी कहती है कि मैं मोल भाव करना अच्छी प्रकार से जानती हूँ। इस तरह से चुन्नू मुन्नू की दादी मिठाइयाँ खरीदती हैं। फिर तब तक रोहिणी बोलती है घर के अंदर से ही कि आप वही खिलौने वाले और बांसुरी वाले हैं ना, जो पहले खिलौने और बांसुरी बेचते थे। तो मिठाई वाला कहता है कि हाँ, मैं वही हूँ जो पहले खिलौने और बांसुरी वाला बेचा करता था इस गांव में। उसके बाद वो उससे पूछती है मिठाई वाले से कि आप इतने कम दाम में अपना सामान बेचते हैं, इससे आपको क्या मिलता है। तो मिठाई वाला बोलता है कि मुझे बच्चों से मिल करके खुशी और शांति मिलती है, इसलिए मैं यह काम करता हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे और धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे पास न तो मेरे बच्चे हैं और न ही मेरी पत्नी है, मतलब मेरा कोई परिवार नहीं है, मेरा परिवार मुझसे बिछड़ गया है, इसलिए
मैं सुख और शांति के लिए और अपने बच्चों, इन छोटे छोटे बच्चों में अपने बच्चों को देखता हूँ, इसलिए बच्चों को कम दाम में खिलौने, बांसुरी और मिठाइयाँ देता हूँ। इस काम को करने से मुझे शांति मिलती है। इस प्रकार से इस मिठाई वाले की कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।